गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम कॉस्वेट गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ मार्केट के बारे में बताया था, जो कि दो तरीके का होता है, इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कंट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमोडिटी। इंटरनल कंडीशन ऑफ कंट्री के बारे में मैंने बता दिया था। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमोडिटी। फर्स्ट, नेचर ऑफ डिमांड। अ कॉमोडिटी विच इज़ इन यूनिवर्सल डिमांड एंड अ कॉमोडिटी ऑफ अ जनरल कंजप्शन विल हैव अ वाइडर मार्केट ऑफ अ कॉमोडिटी। देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इट्स डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, क्लॉथ, वीट एसेट्रा हैव यूनिवर्सल डिमांड रिजल्टिंग इन ट्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। वेयर एज कॉमोडिटीज लाइक गांधी कैप विल नॉट हैव अ वाइड मार्केट। नेचर ऑफ डिमांड, जिनकी डिमांड यूनिवर्सल होती है और इनका कंजप्शन जनरल होता है, ऐसी मार्केट हमेशा वाइडर होती हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सब की जो डिमांड होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की जाती है, इसलिए ऐसी कमोडिटीज़ की जो मार्केट होती है वो बहुत बड़ी होती है। जबकि इसी के अपोजिट गांधी कैप, जिसकी मार्केट बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होती है। सेकेंड, पोर्टेबिलिटी। दोज कमोडिटीज विच कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड कैन हैव अ वाइड मार्केट। कमोडिटीज हैविंग लार्जर वैल्यू इन स्मॉलर पोर्टेबल क्वान्टिटीज टू हैव अ लार्ज मार्केट। दीज कमोडिटीज कैन बी कैरीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डेटरियरेशन। बल्कि आर्टिकल्स ऑन द अदर हैंड हैव अ लिमिटेड मार्केट बिकॉज ऑफ हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व इन देयर ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक्स, सैंड एसेट्रा कैन हैव ओनली अ लिमिटेड मार्केट, वेयर एज गोल्ड, सिल्वर, कॉस्मेटिक एसेट्रा कैन हैव स्प्रेड आउट मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिन कमोडिटीज़ को ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, उनकी मार्केट वाइडर होती है। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉस्मेटिक एसेट्रा। इन द अदर हैंड, जो कमोडिटीज़ बल्क में होती हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन पे अधिक खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मार्केट होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। थर्ड, एडिक्युएट सप्लाई। दोज कमोडिटीज द डिमांड ऑफ विच कैन बी इंक्रीज विथ एवरी एडिशनल इंक्रीज इन इट्स डिमांड इज लाइकली टू हैव अ वाइडर मार्केट। मार्केट फॉर दोज कमोडिटीज ऑन द अदर हैंड शैल बी लिमिटेड इफ देयर सप्लाई कैनॉट बी इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज डिमांड फॉर द सेम कमोडिटीज। डायमंड, प्रेशियस स्टोन्स आर पीसेस एसेट्रा हैव दिस ओनली लिमिटेड मार्केट। देयरफॉर फॉर अ वाइडर मार्केट इट इज़ नेसेसरी that the production must be sufficient quantity to satisfy the need of the market. जिन कॉमोडिटीज को की डिमांड अधिक होती है, उनकी सप्लाई को बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, उनकी डिमांड को कभी कभी कम भी करना पड़ता है। फोर्थ, पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग एंड ग्रेडिंग। टूडे मार्केट आर फ्लडेड विथ कॉमोडिटीज ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। एट टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर परचेजर टू चूज एन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर बाई डिफरेंट फॉर्म विदाउट बींग डिसीव। ही इज रियली इन अ डायलेमा। बट दोज कमोडिटीज विच कैन बी ईजिली ग्रेडेड और सोल्ड बाई सैम्पलिंग कैन अट्रैक्ट वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर। सैम्पल ट्रेड मार्केट, ब्रांड नेम्स एसेट्रा हेल्प इन गेटिंग मोर ऑर्डर्स। Even foreign customer can buy these graded goods. Therefore, considerability of a commodity is result in wider market. जिन भी commodities की grading और packing अच्छी होती है, attractive होती है, उनकी demand automatically बढ़ जाती है। Generally, जो foreign customer हमारे होते हैं, वो graded goods को ही खरीदना पसंद करते हैं। Next, availability of substitute. When there are substitutes or alternative product available in the market in respect of a particular commodities, the market of the commodities is limited. This is because the consumer has a choice before him for selecting the commodity he want to buy. At the same time, if there is no substitute available for a particular commodities, that commodities will be in great demand, thereby resulting in a wider market. Jin bhi commodities ki सब्सिट्यूट और ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनकी मार्केट हमेशा लिमिटेड होती है, क्योंकि कंज्यूमर के पास बहुत सी चॉइस होती है किसी भी कमोडिटीज़ को परचेज करने की। लेकिन इसके अपोजिट, जिन भी कमोडिटी के सब्सिट्यूट नहीं होते हैं, उनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है।
Next, use of particular commodity. The demand for a particular commodity can only be satisfied by the commodity in question and not be any other commodity. For instance, the need for a fountain pen, telephone, telex, etc. such commodity shall have greater demand and wide market. Particular commodities की demand उसी commodities से satisfied की जा सकती है. Example, fountain pen, telephone, etc. ये सब ऐसी commodities हैं जिनकी demand हमेशा ज़्यादा ही रहती है. Next, production of in fashion. If a particular product gets popularity because of its fashion, that commodity is likely to get big demand resulting in the wide market. Product in fashions. Product की demand fashion के according भी घटती या बढ़ती है. जिनका fashion होता है उनकी popularity अधिक होती है और उनकी market में demand हमेशा बहुत ज़्यादा होती है. अब इसी के साथ बच्चों आपका ये chapter ख़त्म हो चुका है. इसकी आप अपने कॉपी में नोट बना लीजिएगा जिसमें आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट विद द डेफिनेशन. उसके बाद इसी में आप सेकंड लिखिएगा करेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट. इसके बाद आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट जो कि 5 डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग किया गया था. फर्स्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड एरिया, उसके सारे पॉइंट्स. सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, उसके सारे पॉइंट्स. थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, उसके भी सारे पॉइंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और मैथड ऑफ मार्केटिंग के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. और लास्ट इसमें था क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी. इसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ मार्केट जो दो तरीके का होता है, इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कंट्री और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्री. फर्स्ट हेडिंग डाल के इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कंट्री उसके पॉइंट्स, और सेकंड हेडिंग है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉमोडिटीज उसके पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.